हेलो मेरे यूट्यूबर भाई, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। भाई मेरे वीडियो में जितना भी जानता हूँ आप सब लोग सीखने के लिए मैं डालता हूँ। तो भाई आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक कमेंट शेयर कुछ नहीं करते हैं। प्लीज़ भाई आप सबको मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें, जो मेरे ऊपर आभारी रहेगा कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ओके, तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम नया वीडियो के बारे में जानेंगे कि VN ऐप से कैसे वीडियो अपलोड होता है। VN ऐप जो है उसमें कैसे वीडियो एडिटिंग होता है वो सब हम लोग आज पता करेंगे। तो प्लीज भाई मेरे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें, तभी जाके मेरे को मतलब वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलेगा, मेरे को मतलब इंटरेस्ट हो गया कि मैं वीडियो बनाऊँ बोल के। तो आप सब लोग दया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ भाई। तो आज हम सीखेंगे VN ऐप से कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं और करके कैसे यूट्यूब में डालते हैं। तो डालने का जो यूट्यूब में जो अपलोड करने का बात है वो सेकंड वीडियो में देखेंगे, पहले हम लोग आज देखेंगे VN ऐप से कैसे वीडियो एडिटिंग होता है, किस टाइप में होता है। और बहुत ही आसान है भाई VN ऐप से वीडियो एडिटिंग करना, और जितना भी ऐप है उसमें से VN ऐप में बहुत ही आसान है, आप सब लोग सीख पाएंगे उसमें आसानी से। इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ वो सब आपको पता चलेगा। स्किप करेंगे तो कोई मतलब छोटा सा टॉपिक छूट जाएगा तो आप मालूम नहीं कर सकेंगे कैसे वीडियो एडिटिंग होता है। इसी के लिए पूरा अंत तक देखना, स्किप मत करना, मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, आसान तरीके से बताऊंगा। तो फिर गाइज अभी आप VN ऐप से कैसे वीडियो एडिटिंग होता है ये सब पता करेंगे। आइए हम सब चलते हैं, अभी देखते हैं कैसे VN ऐप से वीडियो एडिटिंग होता है। तो भाई फिर अब देखिए, तो भाई सब लोग चलिए अब हम VN ऐप से कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं हम देखते हैं। पहले बात तो आप सब लोग प्ले स्टोर से जाके VN ऐप इंस्टॉल करेंगे, करने के बाद जो भी परमिशन मांगेगा वो सब परमिशन दे देना, उसके बाद ओपन करेंगे। तो मेरे में आगे से मैं करके रखा हूँ मेरे मोबाइल में VN ऐप, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ किस तरह करना है। तो मैं VN ऐप पे अभी क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपका VN ऐप ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। अभी मैं एक ठो वीडियो लाता हूँ, कैसे लाऊँगा इसमें देखिए VN ऐप पे। तो ये जो प्लस का आइकन है VN ऐप में राइट साइड में नीचे में, उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर में एक ठो देखिए कैंची का सिंबल आ रहा है जो न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उसे क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका गैलरी में जो सब वीडियो रहेगा वो दिखाई देगा। तो मैं एक ठो नॉर्मली एक ठो एग्जांपल के लिए आपको करके बता रहा हूँ। अभी एक ठो मेरे स्क्रीन पे देखते होंगे कि 1.5 मिनट का एक ठो है बच्चे का डांस का वो वीडियो, तो उसमें क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैं क्लिक किया, 1 लिख गया,
वन लिखा हुआ आ गया उसमें। उसके बाद नीचे में जो है एरो मार्क, उसे क्लिक करेंगे, राइट साइड में उसे क्लिक करेंगे। करने के बाद ये देखिए वो वीडियो आ गया बी एन आप में। आने के बाद पहला बात है, इस वीडियो में मेरा पहले से एक ठो सॉन्ग का है, सॉन्ग है तो उसे काटना है। तो आपका भी कोई साउंड वाउंड वगैरह रहेगा तो उसे काट देना, उसके बाद करना। तो मैं उसे पहले काट के दिखाता हूँ आपको। ये जो मिडिल में देखिए, नीचे में एक ठो स्पीकर का सिंबल रहेगा, उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला नहीं, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये जो वॉल्यूम वॉल्यूम का साउंड है नीचे में राइट साइड में देखिए, वॉल्यूम का साउंड पे मैं क्लिक किया, ये आगे से जो वॉल्यूम है उसे मैं पूरा कमा देता हूँ। कमा लिया, देखिए वॉल्यूम पूरा जीरो हो गया। उसके बाद नीचे में एक तो राइट का बटन, राइट सिंबल है, उसे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, वो वॉल्यूम आएगा नहीं। उसके बाद हम लोग इसे कैसे क्या करना है हम देखते करते हैं। देखिए आप सब लोग, ये वीडियो तो आ गया। उसके बाद ये जो म्यूजिक का सिंबल है, एक तो प्लस आइकन दिया हुआ ऊपर में देखिए, जहाँ प्ले का बटन है उसके नीचे, उसे हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे आप म्यूजिक चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं म्यूजिक ऐड कर रहा हूँ, देखिए उसमें म्यूजिक, ये मेरा नेट बंद है, अभी नेट ओपन कर रहा हूँ, देखिए अभी आ जाएगा। मैं बैक चले जा रहा हूँ, फिर उसे बता रहा हूँ आपको। म्यूजिक का जो है सिंबल, उसी में प्लस आइकन है, उसी को क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नीचे में तीन ठो आएगा आपका म्यूजिक ऑप्शन जो रहेगा, ये म्यूजिक लिखा हुआ रहेगा, इफेक्ट और रिकॉर्ड। तो म्यूजिक देना है तो हमें म्यूजिक में क्लिक करना है। तो म्यूजिक में क्लिक किया, देखिए म्यूजिक का जितना सब है वो सब आ गया, जैसे कि ब्लॉग, पॉप, डायनामिक, फ्रेश। तो मेरे को ब्लॉग में जाना है तो मैं ब्लॉग में क्लिक करता हूँ। खाली रिंगटोन एक तो दे के बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए एक तो म्यूजिक खाली प्ले करूँगा आपको, तो अभी सुनाई देगा नहीं, फिर भी मैं ये देखिए आ गया यूज़। उसके बाद उस ये सब ऑप्शन आ गया। आने के बाद नीचे में देखिए क्रॉस का एक ठो सिंबल है, राइट में एक ठो राइट का सिंबल है दाहिने तरफ, तो राइट का सिंबल में क्लिक करेंगे। ये आपका हो गया पूरा, देखिए म्यूजिक में आ गया पूरा वीडियो का एंड तक का, ये आ गया हमारा म्यूजिक ऐड हो गया इसमें। उसके बाद देखिए हम टैक्स कैसे लिखते हैं। तो म्यूजिक के नीचे टी लिखा हुआ है और उसके नीचे प्लस आइकन है, उसमें क्लिक करेंगे। तो टैक्स लिखना है तो टैक्स में क्लिक करते हैं, दो ठो ऑप्शन आ गया उसमें, टैक्स और SRT फाइल्स बोल के। तो टैक्स में क्लिक करते हैं, ये देखिए टैक्स में क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ गया। तो ऊपर में लिखा हुआ है एड ए हेडिंग, तो हेडिंग में हम लिखेंगे अभी क्लिक करके। तो मैं क्लिक किया हेडिंग में तो आ गया यहाँ पे। अब मैं अपने चैनल का नाम एक तो लिखता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह लिखा जाता है। तो मोहन MOHN मोहन ब्लॉग ब्लॉग्स, ये देखिए मैं लिख दिया। इसे अभी बड़ा छोटा करना होगा तो कर सकते हैं इस तरह से, घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ये हो गया, ये देखिए हो गया। तो मैं अभी इसे प्लस में क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम इसे जहाँ रखेंगे रख सकते हैं। प्लस में क्लिक कर दिया, अभी देखिए मैं इसे नीचे की तरफ ला रहा हूँ, ये देखिए मून ब्लॉक्स आ गया। उसके बाद
ये जो टेक्स्ट का साइड में एक तो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, देखिए छोटा सा सिंबल है प्ले बटन का नीचे, तो उसमें हम उसको दाहिने तरफ घिसते जाएंगे तो पूरा वीडियो में पूरा रहेगा वो वाला, पूरा वीडियो में मोहन ब्लॉक्स लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए खींचते के चला जा रहा हूँ, तो ये एंड तक का जाएगा, पूरा लास्ट तक का जाएगा। ये देखिए लास्ट आ गया, पूरा हो गया, लास्ट तक का ये रुक गया। अभी हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं, ये देखिए पूरा लास्ट तक का। ये देखिए पूरा लास्ट तक का मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए जहाँ भी प्ले करूँगा वहाँ लिखा हुआ रहेगा, हो गया। तो ये टेक्स्ट लिखने का हम सीख गए। उसके बाद इसमें स्टिकर लगाना है, स्टिकर कैसे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं स्टिकर लगाने का बात बोल रहा हूँ। तो जो टेक्स्ट का नीचे में एक ठो सिंबल है प्लस आइकन 3 नंबर में, उसे क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ठो ऑप्शन आ गया, देखिए वीडियो एंड फोटो, उसके बाद स्टिकर। तो स्टिकर में क्लिक करेंगे, स्टिकर में क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए स्टिकर आ गया। तो स्टिकर को मैं ये दिखा रहा हूँ, ये वाला डायनासोर का जो स्टिकर है उसे लगा के मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए वहाँ पे अपलोड हो रहा है, ये घूम रहा है अभी, ये देखिए आ गया। उसे हम जिस तरफ रखना चाहें उस तरफ रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको रख के बताता हूँ कहाँ रखेंगे। यहाँ पे उसका साइज़ भी छोड़ा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये देखिए कर दिए, हो गया। होने के बाद अभी इसे भी पूरा वीडियो का लास्ट तक कर रखना चाहेंगे तो इसे भी खींचेंगे, देखिए ये आपका लास्ट तक का आ गया, आया नहीं लेकिन इतना दूर तक आया, ये छोटा वाला स्टिकर है तो इसी के लिए इतना दूर तक आया। फिर हम लोग और एक बार करेंगे, आ जाएगा ये देखिए, फिर वहीं पे जाएंगे जहाँ पे क्लिक किए थे स्टिकर का ऑप्शन में 3 नंबर में, उसी को क्लिक करेंगे, फिर आ गया। फिर उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर ये डायनासोर में क्लिक करेंगे स्टिकर में, तो ये फिर आ गया। फिर आने के बाद ये देखिए मैं आपको करके बता रहा हूँ, अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल आपको ये वाला करके, ये गलत हो गया, इसे हम अभी काट देते हैं और एक बार करके देखते हैं। ये देखिए हाँ याद आया, यहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे रखना है इसे, उतना दूर तक ले आए। ये आगे मैं इतना दूर तक आया था तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो फिर स्टिकर का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिर स्टिकर में क्लिक करेंगे, फिर डायनासोर में क्लिक करेंगे, फिर ये देखिए आ गया। उसके बाद हम लोग देखिए इसे अभी छोटा सा करेंगे साइज, ये छोटा हो गया। अभी देखिए ये हमारा हो गया। अभी इसे जो स्टिकर को थोड़ा लास्ट तक का खींचना है, ये देखिए मैं खींच लिया, ये पूरा लास्ट तक का हो गया। अभी हम लोग दिखा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए तो ये देखिए ये हमारा हो गया। होने के बाद यहाँ में देखिए ये पीला कलर का जो है ये वाला ब्लैंक है, इसमें कुछ वीडियो है नहीं, तो इसे हम डिलीट करेंगे। कैसे करेंगे, कैंची का सिंबल जो है उसका राइट साइड में
डिलीट लिखा हुआ है उसमें क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा हो गया डिलीट वो वाला। अभी देखिए ये हो गया। होने के बाद एक तो ट्रबल है जो कि मैं बता रहा हूँ, आप गाना ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं गाना को अभी हटा के बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये गाना बजते रहेगा, म्यूजिक बजते रहेगा तो मेरा वॉइस आपको आएगा नहीं। इसी के लिए मैं वो म्यूजिक का हटा रहा हूँ, आपको इसी की तरह करना पड़ेगा, करने से हो जाएगा वीडियो एडिटिंग। तो उसे मैं अभी हटा रहा हूँ, आप देखिए। तो ये हट गया। अभी जो जो करना है आप कर लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए कलर कैसे करना है, मोहन ब्लॉग में, मोहन ब्लॉग पर क्लिक किया, ये आ गया। उसके बाद सब पूरा नीचे में देखिए कलर से कलर लिखा हुआ रहेगा कैंची का सिंबल का बगल में, तो उसमें क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ देखिए टी 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 जो लिखा हुआ है ब्लैक में, रेड में, येलो में, ग्रीन में, वाइट में, इसमें से आप कलर चूज कर सकते हैं, या तो फिर ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें से आप कलर चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपना ये जो लिखा हुआ है उसी में चूज करता हूँ। ये देखिए लाल में क्लिक किया, ये लाल हो गया। अभी इसे जो राइट का सिंबल है उसे क्लिक करेंगे तो उसी में रह जाएगा। तो ये हो गया, रेड कलर का हो गया। उसके बाद हम उसे सेट हो गया वाला। सेट होने के बाद हम अभी उसे प्ले करके बताएंगे कैसा करना है। देखिए रेड हो गया, रेड कलर होने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए चल रहा है ठीक, ब्लॉग लिखा हुआ आ गया। तो इसी की तरह आपका हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, ये टिकटॉक साइज का वीडियो बनाना है तो आप उसे उस टाइप का करें। कैसे करेंगे, यहाँ मैं देखिए नीचे में वॉल्यूम का जो लिखा हुआ है नीचे में, उसका बगल में क्रॉप लिखा हुआ है, उसे क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिकटॉक साइज का है, ओरिजिनल है, फ्री है, टिकटॉक साइज का जो है वो वाला 9.16 है, और इंस्टाग्राम के लिए 1.1 का है। तो हमें जिस टाइप में करना होगा उस टाइप में कर सकते हैं वीडियो, तो देखने में आसानी होगा यूट्यूबर भाइयों को, व्यूअर्स को। तो इसी के लिए मैं टिकटॉक में कर रहा हूँ, ये टिकटॉक में सिलेक्ट कर दिया। टिकटॉक साइज का ये दिखेगा जब भी ओपन करेंगे। तो ये हो गया। होने के बाद राइट साइड में जो है राइट सिंबल उसे क्लिक करेंगे, ये उसी टाइप का हो गया, मतलब और मोबाइल पूरा फुल स्क्रीन में ये वाला दिखाई देगा। तो ये मेरा हो गया वीडियो एडिटिंग कैसा करते हैं, ये मैं आपको बता दिया। और कुछ जानना रहेगा तो वीडियो भाई लंबा हो जा रहा है, फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ, और कुछ जानना चाहते हैं तो मैं और भी कमेंट करने से मैं बता सकता हूँ कैसे करने से और थोड़ा भी अच्छा हो सकता है। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसी के लिए इतना बता रहा हूँ शॉर्ट में, इतना ही पहले सीखिए, उसके बाद इससे भी और बेहतर बेहतर बना सकते हैं। तो फिर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसे अब अपना मेमोरी में, मतलब अपना फ़ोन का मेमोरी में कैसे लाएं। तो राइट साइड में जो ऊपर में एक एरो का मार्क है ग्रीन सिंबल में, देखिए तो उसे क्लिक करेंगे, मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे में राइट का सिंबल है उसे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया। ये देखिए अपना वीडियो जो है वो वाला डाउनलोड हो रहा है, अपना गैलरी में जा कर रहेगा, मोबाइल का गैलरी में। तो ये देखिए मेरा चल रहा है, 14% हो गया, अभी मेरा चल रहा है। तो ये देखिए हमें वीडियो कैसे एडिटिंग होता है आपको तो बताया, और इसके बाद भाई ये सब देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करने के बाद मैं फिर
थंबनेल कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं मैं ये भी आप सबको बताऊंगा, जो बड़ा बड़ा वीडियो में लगता है यूट्यूब में डालने से होगा नहीं। यूट्यूब में जो कोई वीडियो डालेंगे उसके पहले एक तो थंबनेल लिखा हुआ आता है, तो वो वाला कैसे बनाएंगे मैं उसे भी बता सकता हूँ। तो ये वीडियो को आप देख के थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और लाइक भी करें, करने से मैं मेरा इंटरेस्ट होगा, आप सबको मैं बता सकता हूँ पूरा क्लियरली कैसा कैसा करना है, तो ऐसे ही करेंगे। इंस्टाग्राम में कैसे पैसा कमाना है, फेसबुक में कैसे पैसा कमाना है, कैसे वीडियो एडिटिंग करना है, कैसे फ़ोटो एडिटिंग करना है, कैसे अपना खुद का मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं, वो सब बता सकता हूँ। तो फिलहाल अभी देखिए मेरा डाउनलोड हो गया, अभी सेव ओनली जो नीचे में लिखा हुआ है उसे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए मैं क्लिक किया तो ये आ गया, आपका सेव हो गया। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना मोबाइल का गैलरी में जाके, देखिए मैं बैक कर रहा हूँ, ये देखिए ये माय फाइल है, उसमें क्लिक कर रहा हूँ, ये अपना मोबाइल का है जहाँ पे स्टोर होके रहता है। तो ये देखिए आ गया, उसके बाद वीडियो में मैं क्लिक करता हूँ, देखिए वो वाला वीडियो आ जाएगा, ये देखिए राइट लेफ्ट साइड में पहला वाला, 1 मिनट 32 सेकंड का। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अपना वीडियो एडिटिंग हो गया। तो इसी की तरह आप वीडियो एडिटिंग करना सीखिए, और कहाँ पे भी समझ नहीं समझे तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है भाई, इसी तरह आप सब लोग वीडियो एडिटिंग कीजिए, यूट्यूब में डालिए और पैसा खूब सारा कमाएं। तो इसी की तरह आप सब लोग वीडियो बनाएं। अभी तो मैं आपको फ़िलहाल दिखा दिया, तो भाई प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई आप सब लोग को मैं दिखा दिया कैसा वीडियो एडिटिंग करना है भी है ना आपसे, तो आप उसी तरह कीजिए और करके YouTube में वीडियो अपलोड कीजिए, और वीडियो अपलोड करना नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे वीडियो अपलोड करते हैं और किस तरह से करने से आपका वीडियो वायरल होगा। वो सब लोग YouTube में जैसे यूट्यूबर सब करते हैं उसी तरह मैं आपको भी बता सकता हूँ, तो मैं बताऊँगा आपको। तो इसके लिए आप ये वीडियो जो देखे उसी तरह आप भी ना आपसे पहले वीडियो एडिटिंग कीजिए, एडिटिंग करने के बाद आप अपलोड करेंगे, और पता होगा तो आप कर लेंगे, यूट्यूब में कोई बड़ा बात नहीं है, उसमें अपलोड करने का आसान तरीका है, कर सकते हैं। तो फिलहाल आप सब लोग को मैं दिखा दिया कैसे भी ना आपसे वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो इस तरह कीजिए और अपलोड कीजिए यूट्यूब में और खूब सारे पैसे कमाइए। और हार मत मानना भाई, एक दो तो वीडियो डालने से होता नहीं है, ऐसे भी बहुत यूट्यूबर हैं कि 500, 700, 1000 वीडियो डाले हैं, उनका भी मतलब बहुत लेट से सब्सक्राइबर बढ़े हैं और व्यूअर्स भी बढ़े हैं। तो हार मत मानना, एक एक करते जाना, आज नहीं तो कल आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो उसी की तरह कीजिए आप सब लोग, भाई इतना कहता हूँ सब यूट्यूबर भाइयों को, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।